नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 का सवाल है इट सेज अ बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ देन ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट विल बी ऑप्शन है थर्टी टू न्यूटन थर्टी सिक्स न्यूटन फिफ्टी न्यूटन या फिर वन फॉर्टी फोर न्यूटन सिंपल सवाल है ये अपनी ग्रेविटेशनल uh, फोर्स का सवाल है सो so, सवाल कुछ इस प्रकार है कि यह आपका रेडियस ऑफ अर्थ आ रही है यहाँ पे आपका पार्टिकल है यहाँ पे जब सरफेस पे रखा हुआ है वो पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए उस सरफेस पे है तो उसका वजन जो है दैट इज़ वेट जो है वो एम जिसको हम कहते हैं दैट इज़ सेवेंटी टू न्यूटन तो मास विल रिमेन सेम लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी सवाल ये है कि अगर हम उसको हाइट पे लेके गए दैट इज़ इक्वल टू ये हाइट एच है दैट इज़ इक्वल टू आर बाय टू या आर ई बाय टू तो यहाँ जाके उसका वजन कितना होएगा हमें उसका वेट कितना होएगा ये बताना है हालांट सो right. so, वहाँ पे या फिर वेट बताना है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड इफेक्टिवली हम इसी वेट की बात कर रहे हैं वो कितना होएगा वो बताना है सो so, यहाँ पे बड़ा सिंपल सवाल है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका जो फोर्स है जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इसको हम छोटा जी कह देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 72 न्यूटन है इम्प्लाईज दिस इज इक्वल टू एम जी सो दैट इज़ इक्वल टू 72 टू न्यूटन सो जब हम इस हाइड पे गए तो वहाँ पे जो अपना एफ डैश हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस आर बाय 2 सो आर प्लस आर बाय 2 करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं जी एम एम डिवाइडेड बाई 3 बाय 2 आर जी एस की वैल्यू हो जाएगी एक मिनट दिस विल बी आर स्क्वायर अलाइन सो दिस विल बी थ्री बाय टू स्क्वायर सो थ्री बाय टू स्क्वायर जब हम करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू फोर बाय नाइन मल्टीप्लाइड बाय जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये ऑलरेडी पता है कि हमें एम जी की जी एम एम बाय आर स्क्वायर इसकी वैल्यू सेवेंटी टू न्यूटन है सो so, यहाँ पे अपना जो एफ डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर बाय नाइन मल्टीप्लायड बाय सेवेंटी टू सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स थर्टी टू न्यूटन ये अपना फाइनल आंसर आएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 32 न्यूटन विल बी द राइट आंसर